तो मेरे पास चाय नहीं है, अब हम ढूंढ रहे हैं हम कहाँ से चाय लें, कहाँ से चाय लें। तो गाइस ये है मेरा पूरा लुक। हम लोग जी आ गए थे सुबह कोई 8:30 बजे यहाँ पे, और सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी करने के बाद अब वेट कर रहे हैं कि उसका जो प्री मेडिकेशंस हैं ट्रीटमेंट से पहले वो लग रही हैं, उसके बाद भी कोई 2 घंटे यहाँ वेट करना पड़ेगा इंजेक्शन लगने के बाद, ताकि उसकी वो जो रेडिएशंस होती है, मॉलिक्यूल थेरेपी है, एक तो रेडियोथेरेपी होती है, ये न्यूक्लियर मेडिसिन में आती है, मॉलिक्यूल थेरेपी है, ये कोई मतलब नई, अब तो खैर FDA अप्रूव्ड है, तो इसी तरह से जो भी नया ट्रीटमेंट आता है पाकिस्तान में एक्सेसिबल नहीं है अभी, बिकॉज इट्स हमारे यहाँ कुछ वसाइल की और ज़राए की और बजट की कमी की वजह से फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ बना नहीं पा रही हैं, बट इंशाल्लाह सून दिस विल बी अवेलेबल इन पाकिस्तान बहुत कम प्राइस में। अभी तो जर्मनी से आती है तो बहुत महंगी है। तो डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि ये इनकी 5th डोज है, चूँकि गैप बीच में लंबा आ गया, सो विल कंसिडर इट एज अ 1st डोज। तो लेट्स सी कि उसका अब परसों स्कैन होगा, स्कैन के बाद पता चलेगा कि दवाई ने कहाँ कहाँ काम किया है और कहाँ कहाँ पहुँची है। तो सबकी दुआओं की ज़रूरत है, अल्लाह ताला को ये अमल बहुत पसंद है कि आप दूसरों के लिए दुआ करें, तो जब आप दूसरों के लिए दिल से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत अच्छा कर देता है। मैं भी करती रहती हूँ, आप लोग भी हम सबको दुआओं में याद रखते हैं, मुझे मिलती रहती हैं आपकी इतनी प्यारी प्यारी दुआएँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। मैं गई थी इमरान अशरफ के शो मज़ाकरात में, और 2-2.5 घंटे का वो शो था, और अभी अभी वापस आई हूँ। बच्चे जो हैं वो बहुत भूख में बैठे हैं, और इनसे ज़्यादा भूख में मैं बैठी हूँ। और आज 2-2.5 घंटे लगे, शो तो 45-50 मिनट का होगा। तो अब जो है प्लान ये है कि इन्होंने कुछ ऑर्डर किया हुआ है, मुझे भी भूख लग रही है बहुत, तो मैं चेंज करके आती हूँ, उसके बाद हम खाना खाएंगे और खाना खा के गपशप करेंगे। आज किसी की भी नींद जो है ना वो एक गो में नहीं हुई हुई, तो इसलिए आज रात उम्मीद है कि सब सुकून से सोएंगे। सुबह याया का इंजेक्शन लग गया अल्हम्दुलिल्लाह, ही इज़ ओके। याया खान कैसे हैं आप? डॉक्टर असद से पूछा? सुबह मैं मैसेज करती हूँ, उनका सुबह जवाब आएगा, देखते हैं क्या है। कुछ नहीं होगा, आई थिंक उन्होंने आपको लिवर की भी दवाई दी है, ये प्रोटेक्शन की। अच्छा, खुद दवाइयाँ बहुत खाते हैं आप जो कि सही नहीं है, ये ना किया करें प्लीज़। तो जी बस अब खाने वाने का प्लान है। सुबह हम लोग 8 बजे अनमोल गए, वहाँ पे याया का इंजेक्शन लग गया, हम लोग 2 बजे 2:15 बजे डिस्चार्ज किया, होटल आए, याया को वो कमरे पसंद नहीं थे, रूम शिफ्ट किए, शिफ्ट करके यहाँ पे रूम्स हमारे जो तीनों हैं वो एक ही फ्लोर पे साथ साथ। और आज ज़रा 2-3 दिन की परहेज़ होती है, याया के साथ डिस्टेंस रखना पड़ता है, बिकॉज़ इनका जो ट्रीटमेंट हुआ है न्यूक्लियर मेडिसिन का पार्ट है वो, और वो रेडिएशंस होती हैं, तो वो इस वजह से टाइम के साथ साथ वो कम होती जाती है, इसीलिए इनको पानी बहुत ज़्यादा पीना होता है ताकि वो यूरिन के थ्रू जो है वो भी निकलती रहे वहाँ। तो बस खाना खाते हैं, मैं जाके ज़रा कंफर्टेबल होके आऊँ, एंड आपको पूरा लुक भी दिखाती हूँ साड़ी का। जूते मैंने चेंज कर लिए, बिकॉज़ हील्स जो हैं वो स्टूडियो में जाके पहनी थी और फिर मैंने चेंज कर ली वापस बैक इन माय चप्पल। गाइस ये है मेरा पूरा लुक। और ये साड़ी मैंने ऑर्डर की थी आसिम जोफा की, इसकी प्राइस अबाउट 14,500 प्लस, इसको फिर स्टिच वगैरह कराया मैंने, तो अच्छी कंफर्टेबल, ये भी लेस पीस के साथ आई थी पूरी, वॉज ऑल अराउंड द एज। तो चले मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। याया खान को हम लेके जा रहे हैं जी राया इफ्तार के लिए, बड़ी मुश्किल से मनाया है, बेबी जो है ना बहुत ज़िद करने लगा है। अभी इतने फ्रेश लग रहे हैं, ये वीडियो जब लोग देखेंगे तो खुद बताएंगे कि भाई ये कहाँ से बीमार है। अच्छा, तो अभी तो शेव भी नहीं किया मैंने।
शेव नहीं किया दिखाएं, लग नहीं रहा, कैसा फील करें? इसका कमर में दर्द है। वो तो आपका पुराना है। और बताएं नेक्स्ट। बताओ क्या बताएं, रहने दे। ये अहमद आया आज आया से मिलने, सो हम जा रहे हैं इफ्तार पे राया। बच्चों ने मुझे कहा है कि यू हैव टू बी हेयर। पहले तो हमने मना कर दिया, डैडी नहीं जा रहे थे, तो मैंने कहा कि हम लोग यहीं पे हैं, आप लोग होके आ जाए। तो वो लोग चले गए, तो हमज़ा के डैडी को उन्होंने ड्रॉप करना था कहीं। फिर वो मुझे फ़ोन आया कि जी आ जाएं, इट्स योर टाइप ऑफ प्लेस, यू नो, इफ़ यू आर नॉट देयर इट वोंट बी फन। फिर मनाया याया को, तो फिर अब हम भी जा रहे हैं वहाँ पर। तो ये जगह उन्होंने मुझे मरियम नूर फ्लाइट पे बता रही थी कि जैसे दुबई वॉक है ना, उस तरह का, उस कॉन्सेप्ट को लेके उन्होंने ये जगह क्रिएट की है। और यहाँ पे बहुत अच्छा से उन्होंने एम्बियांस क्रिएट किया है, फिर रेस्टोरेंट्स भी हैं, खाने पीने की जगह भी हैं, तो और क्या चाहिए बंदे को, एक रिलैक्सिंग माहौल हो, अच्छा खाना पीना, कॉफ़ी चाय ये सब हो, तो बस ठीक है, काफ़ी है। तो चलें जी, हम निकल रहे हैं अभी, वेटिंग फॉर याज व्हील चेयर, बिकॉज अभी उन्हें वीकनेस हो रही है, तो वी आर होपिंग कि दैट प्लेस विल हेल्प हिम रिफ्रेश और थोड़ा सा अच्छा एनर्जी आएगी इनमें वहाँ जाके। सब्ज़ा देखेंगे, खुली फिज़ा, खुला मकाम, बिकॉज बेड जो है वो बड़ा ही एडिक्टिव होता है। बिस्तर सिर्फ सोने के लिए है, सो के उठें तो दोबारा उस पर ना जाएँ, अनलेस यू नो यू आर नॉट वेल और समथिंग इन दैट कंडीशन। लेकिन वैसे बंदे को ज़िंदगी में इतने काम होने चाहिए कि उठने के बाद वो इतना बिजी हो कि बस फिर सोने के लिए बिस्तर पे दोबारा लेटे। तो ट्राई टू मेक योर लाइफस्टाइल सो एक्टिव एंड कीप योरसेल्फ बिजी इन पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव थिंग्स, सो दैट यू डोंट गेट टाइम फॉर नेगेटिविटी, बिकॉज नेगेटिविटी भी एक जंग की तरह होती है, वो लग जाए तो फिर खा जाती है आपको। तो चलें आपको दिखाते हैं कि राया का क्या माहौल है, कैसी जगह है, कैसा खाना पीना है, क्या चॉइसेस हैं वहाँ पे। काश इतना सब्ज़ा कराची में भी हो। ये तो जी बड़ी कोई कमाल जगह है। Can't believe this. कैफे बैरूत, ये देख लीजिए यहाँ का माहौल, देखिए कितना ज़बरदस्त। ये तो लग ही नहीं रहा कि हम लाहौर में हैं। दिस इज सो गुड, रौनक सुकून दोनों साथ साथ। वो तो डैडी तस्वीर देखना चाह रहा था, उसमें इसका ये तो मतलब नहीं होता जवानी की तस्वीर देखने का। ड्रिंक्स नथिंग, ड्रिंक हमारी जी चाय आ गई। कहाँ से मिली चाय? अरे हम लोग पहले वहाँ गए सेकंड कप कॉफी का। अच्छा, हमने बोला सेकंड कप पे चाय तो होगी, अहमद भाई ने बोला था उनके पास चाय हो। हाँ। बोलते हमारे पास चाय नहीं है, हम ढूंढ रहे हम कहाँ से चाय लें, कहाँ से चाय लें। तो कड़क चाय लिटरली उधर। बाजू चीनी चाय बिल्कुल पड़ोस में। मम्मा ने इनको बोला बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं था। इस तरह कौन बोलता है? नहीं नहीं था, अच्छा था। चीनी चाहिए आपको? इसीलिए हम वहीं रुक गए थे, हमने देख लिया आपको शक्ल के, आपको बुरा ही बोल रहे हैं, हम आ ही नहीं रहे थे वापस। सीरियसली हमने बोला ये चले जाए फिर आएंगे। नहीं नहीं मैं गाड़ी देख लूंगा। कैफे बैरूत पे हम आए हैं जी, फेज 8 वाली ब्रांच पे। हाउ आर यू? आई एम ओके फाइन। कैसा लगा आपको कैफे बैरूत? I am disappointed. The food was not good, and energy was too expensive. Very expensive. And very expensive. And if it would have been tasty or worthwhile, would have payment would have been all right. But even the food was not good and very heavily priced. तो जी इनका भी point of view वही है जो मेरा है कैफे बैरूत के बारे में। बहुत सुन के आए थे और इतनी ह्यूज ऑप्शंस में हमने चूज़ किया, तो उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट। सो इट्स आर फॉल्ट, वी मेड अ रॉन्ग चॉइस एंड देन आर बिल वाज ऑलमोस्ट 18,000 रुपीज़। और चार पीस बकलावे के हमने ऑर्डर किए थे जिसका बिल हमारा था कोई 1370 रुपये, छोटे छोटे से पीस। तो आई एम नॉट इम्प्रेस, खाना गर्म भी नहीं था और अच्छा भी नहीं था टेस्ट। अल्लाह ताला माफ़ करे, रिस्क है, बट ये है कि ये रिव्यू की बात हो रही है एंड आई
ऑलवेज वॉन्ट कि जो मेरा एक्सपीरियंस हो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ, ताकि अगर लोग कहीं कोई अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं तो उन्हें हेल्प हो जाए, और अगर रिव्यू अच्छा नहीं है तो फिर वो उनको हेल्प करें। ट्राई माई कॉफी पिस्ताचियो लाटे, सो नाइस राइट? दिस इज अ हेज़लनट फ्राप्पे। आइसक्रीम है इसमें? नहीं आइसक्रीम। हेलो, कहाँ की है भाई? आर्टिज़न। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे मांगी थी रेक्स, ये रही रही रही। आर्टिज़न कॉफी रोस्टर्स। ओए होए होए होए। Amazon गए? You'll sleep well today because pistachio has melatonin in it. It has a double shot espresso with lots of caffeine also. चलो balance हो जाएगा। कैसा है मेरा शहजादा बेटा? मुझे पीने भी नहीं देती आराम से, फौरन चलो 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 चलो। ये खत्म की तो मैंने बोला, अभी बोल रहे हैं यहाँ बैठ के इनका कॉफी मेकिंग देखते हैं। मैंने बोला वो वहाँ बैठे हुए हैं, उनके पास चलते हैं, दो मिनट तो देखते दो मुझे इनका ग्राइंडर कितना अच्छा है इनका। देखो जरा, सही कह रही थी ना ये, देख के मजा आता है। कॉफी पी के बंदे का दिल करता है आराम से बैठे, खामोशी। शॉपिंग का कोई नहीं, वही पर खाना भी नहीं है, बस ये फाउंटेन्स और ये बने हुए हैं यहाँ पे बैठने की जगह लोगों के लिए, ज़रा फ्रेश एयर में आउटिंग हो जाती है। चलें जी गाइस, हम लोग अब जा रहे हैं लिबर्टी। नबीहा को मुझे कोई शॉपिंग करानी है उसका दिल चाह रहा था, और अनिया को भी कुछ लेना है, तो ईमान याया के पास है यहाँ, बिकॉज़ आज ईमान अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, तो ईमान याया के पास है, और हम लोग ज़रा लिबर्टी होके आ रहे हैं। लिबर्टी वैसे तो मैं आपको पूरा दिखा चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो ज्वेलरी सेक्शन है वो मैं दिखा दूँगी आज, जो जो हम शॉपिंग करेंगे। बाकी फिर इंशाल्लाह आपसे वापसी पे मुलाकात होगी। कल याया का स्कैन है, होपफुली उस स्कैन में वो देखेंगे कि जो मेडिसिन इनको कल लगी है वो कहाँ कहाँ पहुँची। आज उनके ब्लड सैम्पल्स भी हो गए हैं, तो कल रिपोर्ट आएगी, तो वी आर होपिंग ऑल गोज वेल इंशाल्लाह। चलें जी, तीनों जो हैं सिस्टर्स नाइट, सिस्टर्स नहीं, मदर डॉटर्स नाइट, नहीं सिस्टर, वी गोइंग टू लिबर्टी मार्केट। आई होप बहुत रश ना हो। नहीं होगा इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू ड्राइवर। यस, जल्दी चलो, हमें लिबर्टी मार्केट जाना है। Here again at Liberty. ओए भाई, गाड़ियों का रश देख रहे हैं आप लोग। स्ट्रीट वाली साइड पे चले ना, ये दुकानों शुकानों में तो नहीं जा रहा। हाँ पीछे ज्वेलरी है, हाँ उधर चले। ये इससे तमाशा क्यों कराते हैं आप? चारे को अपने घर वालों के साथ होना चाहिए। ये घर वाले इसके मेरे साथ ही हैं। हाँ। इसका माँ बाप जो है पहले बड़ा बंदर था मेरे पास, फिर इसका ये दोनों घर वादी घर पे ही हैं। तो ये इस पे इसको कैसे सिखाते हैं? मारते वारते तो नहीं है? आप पूछ तो रहे हो, माशाल्लाह समझदार हो। अब देखो ये इसके बाजू देखो, इसके जिस्म देखो, अगर इसको डंडी लगेगी इसका बाजू टूट जाएगा, तो मेरी रोजी तो नहीं बनेगी। ये मार के साथ नहीं, ये प्यार के साथ, औलाद की तरह इसका प्यार देखना है। तो ये देखो, जिसको मारते हैं वो जानवर ऐसे नहीं करता है। ये देखना, आ जा यार, तोड़ी जा जा। ये पार्ट टाइम माँ बाप की तरह मेरे साथ ऐसे, जैसे बच्चे को बड़े चुम्मी दो आगे मुँह कर दे, ऐसे प्यार कर। जो मार के मार वाले जानवर होते हैं ऐसे नहीं करते। बस यही मेरा मकसद था कि प्यार से रखें। बेटा मेरी रोजी है, क्या हो गया? मैं इसके साथ अपने बच्चों का पेट पालता हूँ, मुझे पता है इसको कैसे रखना है। बच्चों की तरह इज्जत करते हैं, बच्चों की तरह उठता बैठता है। अल्लाह खैर करे। ये देखो ना, काम के टाइम पे उतरा, काम खेल सिखाता है, वो उसके इशारे थे। ये 1600 प्यास का। ये
पीछे एक ट्रेडिशनल शॉप है, वहाँ मैंने सोचा ताहिर भाई के लिए अजरक ढूंढ लूँ, लेकिन उनके पास भी अच्छी नहीं थी क्योंकि ताहिर भाई अजरक ढूंढ रहे थे कोई अच्छी क्वालिटी की, बट नहीं मिली। तो आई थिंक दैट्स कराची इज़ अ बेस्ट प्लेस, कराची में कहीं से मिलेगी तो वहाँ ढूंढ लेंगे। इधर देखो ना भैया, आपको चाहिए क्या? उसमें आपको मेहरून भी, इसको ट्राई करो छोटी, आपको बहुत खुश हो जाएगा। लजीहा के हैं, ये मैडम अनिया के हैं, ये भी मैडम अनिया के हैं, और ये ईमान के हैं उसके ड्रेस के कलर के हिसाब से। क्या नाम है आपकी दुकान का? फजर जूलर। और ये मार्केट कौन सी? लिबर्टी मार्केट। बुलबुले में पहनने के लिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह भाजी पहनेंगी, पता लगेगा कुछ नहीं। ये सारा हाथ का बनता है, एंटीक झुमका बोलते हैं इसे ना। वही पिछले व्लॉग में जब मैंने ये खुद से की अपनी वीडियो में तस्वीर देखी तो मेरा दिल था कि ये क्यों नहीं लिया मैंने, अभी बस मौका मिला तो ये मल्टी कलर बहुत प्यारा। अब कहाँ जा रहे अभिया को? रिंग्स और झुमके लेने। इतने झुमके क्या करेगी? पता नहीं, ये जितने भी तो है ना सारे बेटे हैं बेटे, जो सिल्वर भी ये 400। ये कितने का? चुभने वाला तो नहीं, साइडों पे एजेस चेक कर ले फिर से, इसमें कलर बाल दुपट्टा पे। ये पता कितने का था? उस पे दुआ के पापा। बहुत मज़ा आया हमें, अच्छी अच्छी चीज़ें मिली बच्चों को, और यहाँ पे देख के इतना मुझे अच्छा लग रहा है कि अल्लाह ताला ने कितने लोगों की रोज़ी लगाई हुई है। आपके पास सिर्फ माइंड होना चाहिए काम करने के लिए। अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे तो एक मार्केटिंग टैक्टिक देखें किसी बंदे की, इतना स्मार्ट और फनी वे है मार्केट करने का, ये आपको अनिया करके बताएगी। कैसे किया था उस बंदे ने? नबिया करेगी ना। हाँ नबिया, हम लोग गुजर रहे थे तो क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, ये गिर गया। क्या? इसके रेट गिर गए। मम्मा चलने के टाइम नहीं है। फाइनली जी वी आर एट अ प्लेस दे वाउच्ड फॉर सो मच, इट्स कॉल्ड द लॉस्ट ट्राइब। ये डिसाइड हो रहा है कि बैठेंगे कहाँ। यानी हाँ ये अच्छा है अंदर ये वाली, हाँ ये अच्छा। मैम छोड़ दे मैम। इतना बड़ा क्लेम इन लोगों ने किया है कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा खाना आपको नहीं मिलेगा, मीट मीट। सो मीट लवर्स के लिए ये एक अच्छी खबर है। मैं आपको अपना हॉनेस्ट रिव्यू दूंगी आफ्टर आई एम डन विद फूड। आप हमारे कहाँ का? यूसुफ आलू से। गाइस ये लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, हमने ये लोग बोले बलोच आइसक्रीम में फलाना बेहतर, हमने तो उससे बेहतर फालूदा नहीं खाया। तो जो कराची में रहमत शीरी का फालूदा है मैंने ट्राई भी, जो कराची में बलोच का स्पेशल फालूदा है। ये क्या है? लैम यानी बीफ का? अनियन बीफ है, बीफ और लैम का फैले वक्त से दिखाई। आई होप सो। इससे का सवाल है वैसे, बताओ इससे है बरकरार? मुझे
बहुत ही मज़े किए। ये क्या मसाला रोश मसाला रोश सर्व करते हैं जी। वो सब कुछ बहुत बहुत बता दी थोड़ा सा बस लैम की मसाला वैसे ये रबड़ी के साथ नाइस वेरी 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 नाइस डिजर्ट। अच्छा जी माई ओवरऑल रिव्यू about the place. If you're a meat lover, this is a place for you. But as they've tried this in Islamabad or Lahore, तो कुछ चीज़ों में 19-20 का फ़र्क है। जैसे बोटी दे से कि वहाँ वाली ज़्यादा अच्छी है। मैं तो फर्स्ट टाइम खाई थी, मुझे तो इनकी वो जो बोटी थी वो बहुत अच्छी लगी। दैट इज़ लाइक माई नंबर वन फेवरेट इन द होल ऑर्डर। अफ़गानी बीफ टिक्का, वो चर्बी से रैप थी और फिर बनी हुई थी। एंड लैम रोश मसाला बहुत अच्छा था, उसमें शैंक होते हैं और बहुत अच्छा गला हुआ था। कीमा वाज इमान्स फेवरेट। सर्विस बहुत अच्छी है एंड डिज़र्ट बहुत अच्छी है। चलें जी, ये गुलाब जामुन रबड़ी के साथ कॉम्बिनेशन में खा के बहुत ही मज़ा आया। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अब आ रहा है कावा। कावा पियेंगे क्योंकि ज़्यादातर मीट वाली जगह जो होती है उनके पास कावा ज़रूर होता है फॉर डाइजेशन। और मीट खा के मेरा तो खैर आई एम नॉट अ ड्रिंक पर्सन, कोल्ड ड्रिंक पर्सन, लेकिन ज़्यादातर लोग पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स भी, मगर कावा पीना चाहिए। अच्छा तो ये हो गया एंड वी वर आल्सो कंपेयरिंग द बिल। यू नो वी ऑर्डर्ड सो मच मीट, स्टार्टर, डिज़र्ट। स्टार्टर तो नहीं, वही जो मेन कोर्स था वो डिज़र्ट, तो उसके साथ और ड्रिंक भी, तीन ड्रिंक्स ऑर्डर हुई थी और खाना बच भी गया, उसे पैक भी कराया। सो 6 पीपल हैड द फूड। 20,000 बिल था। अगर इसको हम कंपेयर करें अपने शाम वाले एक्सपीरियंस से, जो हमारा लेबनीज़ वाला कैफ़े बैरूत वाला था, तो हमारा 18,000 बिल था, जिसमें चीज़ ब्रेड, हाँ बकलावा मिला के 20 हो गया था, बिकॉज 1400 रुपये के वो 4 पीस बकलावा के थे। सो इट वाज अ टेरेबल एक्सपीरियंस, वेस्ट ऑफ मनी। वर्सेस दिस, यू नो यू हैव प्रॉपर मील, उसमें तो शायद प्रॉपर मील भी नहीं था, वैल्यू फॉर मनी। और आप एक्सपेंसिव चीज़ ऑर्डर करें, मटन ऑर्डर करें, बीफ ऑर्डर करें, लैम्ब ऑर्डर करें, बीफ ऑर्डर करें, वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी डिसअपॉइंटेड। सो नेवर गोना गो देयर अगेन। टाइम टू से बाय to my sleepy head. मुझे लग रहा है पता नहीं कितना सो रहा हूं। इलेक्शन क्यों हो रहे हैं? क्या नहीं मैं आपसे मैचिंग है? नहीं ये भी आ रही है, बस ये 16th पे आ गई। चलें भाई बैक कर, वेटिंग फॉर यू इन कराची। जानी 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 मेरी मम्मा साइड पहुंच जाए ना, गाड़ी शादियों की वीडियो भी बननी होती है, पैसा लगता है मुझे। चलें भाई जान, आप हम लो अंदर करना था, मैं कर देती हूँ। लाओ नबिया, सी यू, सी यू सोन, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बाय।